हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में जो है बहुत सारी चीज़ें न्यू बताने वाली हूँ। जैसे कि बहुत सारे जनों की रिक्वेस्ट आई, कमेंट्स आए कि प्लीज़ मैम हमें ये बताइए कि आप प्रोडक्ट कौन से यूज़ करते हो। तो आज मैं जो है प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डीप ब्रीफली आपको नॉलेज देने वाली हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको कब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से बाय करना चाहिए और उसकी टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए और हमारे नेल एक्सटेंशन में जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो वो भी आज मैं सारा का सारा आपको ब्रीफली बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना गाइस। सो चलिए आइए आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट थोड़े से। सो चलिए गाइस, चलते हैं स्टूडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो। सो दिस इज़ माय स्टूडियो एंड थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको पता ही है, कोविड का काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है। सो हम जो हैं आज प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ में अपना सेक्शन तैयार करेंगे। सो मेरे एम्प्लॉयज़ ने जो है सारे प्रोडक्ट रेडी रखे हैं। सो इसमें जो है सबसे पहले हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो है एसीटोन फ्री। सो इसकी जो है काफ़ी बड़ी बॉटल आती है और बहुत कम क्वांटिटी में अगर आप बाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके बाद जो है कुछ लिंस और इसके अलावा जो है हमारा नेल कटर पुशर, जो नेल कटर तो ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होता ही है। इसके बाद जो है पुशर और ब्लोबफर, और ब्लोबफर में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लोबफर्स आते हैं गाइस। तो आई एम यूजिंग दिस वन ब्लोबफर क्योंकि इसमें एक साइड जो ऑरेंज होती है ये काफ़ी हेल्प करती है, हमारे क्यूटिकल एरिया को कटने से बचाती है। सो इसके बाद जो है हमारा पूफी ब्रश और ये हमारी जो है टिप्स। सो टिप्स जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टिप्स होती हैं। सो आज मैं आपको टिप के बारे में भी बताती हूँ। जैसे ये जो टिप है हमारी है सी कट टिप, आप देख सकते हैं ऊपर से सी कट हो रखा है ना, तो इसको हम बोलते हैं सी कट टिप। इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारी टिप्स होती है। नेचुरल टिप होती है ये वाली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है हमारी नेचुरल टिप्स हैं और आप इसका बॉक्स देख सकते हो, हमारे पास ये पूरा बॉक्स आता है। 10 साइजेस होते हैं इसमें अवेलेबल और इसमें जो है कुछ लॉक्स भी होते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास टिप है फ्रेंच टिप, जो कि सी कट टिप है, जो कि एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन के लिए काफ़ी यूज़ होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर किसी को फ्रेंच करवाना है तो डायरेक्टली इस टिप के साथ करवा सकते हैं। और आप देख सकते हो इसमें भी हमारे पास जो है 10 साइजेस अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास लेटेस्ट में अभी जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वो है ट्रांसपेरेंट टिप्स। सो ट्रांसपेरेंट टिप में आप देखें, इसका क्लोजअप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लॉक होता है, तो इस लॉक की वजह से हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोफेशनल टिप्स की पता लग जाता है कि हाँ ये प्रोफेशनल टिप है और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। सो मैं ये टिप्स यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो है लास्ट आती है हमारी कर्व टिप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। बहुत सारे लोगों के जो साइड वॉल्स हैं काफ़ी ज़्यादा कर्व होते हैं, सो वहाँ पर जो है हम इस तरीके की टिप को यूज़ करते हैं और जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये देखिए प्रॉपर कर्व लुक आती है। सो इस कर्व लुक को आप देख के घबराइएगा मत, क्योंकि कट होने के बाद ही बिल्कुल नेचुरल लगती है और जब इसके ऊपर वर्क होता है सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारी नेचुरल टिप्स होती है वो साइड वॉल्स कवर नहीं करवाती हैं या फिर उसमें बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम ये प्रॉपर कवरेज वाली कर्व टिप यूज़ करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद के जो प्रोडक्ट्स हैं आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए हमें नेल ग्लू और इसके बाद हमारा टिप क्लिपर टिप्स को कट करने के लिए जितनी भी लाइन चाहिए होगा, और ये है हमारा डिहाइड्रेटर, और डिहाइड्रेटर के बाद जो है हमारा श्रिंकिंग पाउडर, जो कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये, जिसकी वजह से नेल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके बाद जो है हमारी जेल, क्योंकि मैं 90% अपने क्लाइंट्स को जो है जेल नेल एक्सटेंशन करके देती हूँ। और इसके बाद जो है हमारा फाइलर चाहिए हमें प्रोडक्ट के लिए, और इसके बाद जो चाहिए हमें चाहिए यूवी टॉप कोट। सो ये सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ, और लास्ट में जो है हम एक्स्ट्रा केयर के लिए यूज़ करते हैं ये नॉर्मल टॉप कोट एंड साथ में क्यूटिकल ऑयल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्स्ट्रा केयर फॉर क्यूटिकल एरिया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नया एक डिज़ाइन। और इन सभी प्रोडक्ट के बाद हमें लास्ट में चाहिए हमारा यूवी एलईडी लैम्प। सो दिस एलईडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट को जो है क्योर करता है और परमानेंट करता है।
सो आज जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट टिप के ऊपर माइलर्स, वो भी बटरफ्लाई की शेप्स में और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में डिपोजिशन, और साथ साथ जो है बाकी नेल्स पे ओम्ब्रे। सो ये जो है हमने टिप्स सेलेक्ट करी है नेचुरल टिप, और जैसे कि आपने दो फिंगर पे देखा है मैं ट्रांसपेरेंट टिप अप्लाई कर रही हूँ, तो हम नेचुरल नेल को जो है सबसे पहले ब्लॉब ऑफ करेंगे अच्छे से और साइज़ निकाल कर रख लेंगे ब्लॉब ऑफ करने से पहले, और उसके बाद ब्लॉब ऑफ करने के बाद ड्राई करने के बाद जो है टिप को एप्लीकेशन करेंगे ग्लू की हेल्प से। सभी नेल्स के ऊपर टिप अप्लाई करने के बाद जो है बारी आती है हमें लेंथ कट करने की। सो उसके लिए जो है हम टिप क्लिपर का यूज़ करेंगे और इस तरीके से जो है टिप क्लिपर की हेल्प से लेंथ को कट कर देंगे। जितनी भी लेंथ हमें चाहिए उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही लेंथ लेंगे ताकि जब हमारी शेप क्रिएट हो उसमें हमें जो टारगेट लेंथ है और जो शेप है वो हमें प्रॉपरली मिल पाए। सो सभी नेल की लेंथ कट करने के बाद जो है बारी होती है एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से ब्लेंडिंग लाइन करने की ताकि हमारी जो टिप एरिया है वो नेचुरल नेल में प्रॉपरली मर्ज हो जाए, और साथ साथ जो है शेप जो भी हमें फाइनलाइज करनी है वो भी हम इसी स्टेप में ही शेप फाइनलाइज कर लेंगे। ब्लेंडिंग लाइन और शेप कंप्लीट होने के बाद जो है हम एक बार और क्यूटिकल एरिया को पुश करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके नीट तरीके से अपनी प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए और जल्दी से जल्दी रिफिलिंग ना आ सके। सो इसलिए और अब जो है सभी नेल्स को हम करेंगे ब्लॉब अप, सारे नेल्स को बहुत अच्छे से ड्राई करेंगे, जितनी भी शाइनिंग है पूरी की पूरी रिमूव कर देंगे, और ब्लॉब अप करने के रीज़न सिर्फ यही होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है इसलिए। सभी नेल्स को ब्लॉब ऑफ करने के बाद जो है क्लीनिंग ब्रश की हेल्प से जितनी भी डस्ट हैं हम उसे क्लीन कर लेंगे, और अब बारी है हमारी डिहाइड्रेटर अप्लाई करने की, और डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद जो है एप्लीकेशन की जेलिंग की। सो जेल एप्लीकेशन करेंगे बिल्कुल पतला पतला करके, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 90% जो है अपने क्लाइंट्स की जेल एप्लीकेशन करती हूँ, तो सभी नेल्स पर पतला पतला एप्लीकेशन करके इसे हम क्योर करवा देंगे। और बेस को क्योर कराने के बाद अब जो है हम ट्रांसपेरेंट टिप के ऊपर ग्लिटर एप्लीकेशन करके रख देंगे, जेल ग्लिटर एप्लीकेशन कर देंगे डायरेक्ट बेस के बाद ही, क्योंकि इसके बाद जो है हमें प्रोडक्ट डिपोजिशन करना है, तो इसलिए आज जो है हम बिल्डर पहले ना देकर जो भी हमें प्रोडक्ट डिपॉजिट करना है उसके बाद बिल्डर एप्लीकेशन करेंगे। सो इस तरीके से ग्लिटर एप्लीकेशन करने के बिना क्योर कराए साथ साथ ही हम जो है हम अपने जो भी माइलर्स लाइक बटरफ्लाइज या हमें फॉइल पेपर जो भी डिपॉजिट करने हैं एप्लीकेशन करनी है, जहाँ जहाँ पर भी जो प्रोडक्ट हमें माइलर्स वगैरह प्लेसमेंट करने हैं वो अभी ही प्लेसमेंट करके साथ के साथ ही दोनों फिंगर्स को जो है हम क्योर करवा देंगे। और इस सारे वर्क को क्योर कराने के बाद जो है अब बारी है बिल्डर जेल एप्लीकेशन करने की। तो इसकी जगह जो है आप हार्ड जेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिल्डर जेल। तो इस तरीके से थिक थिक करके हम बिल्डर जेल अप्लाई करेंगे, थोड़ा मोटा जेल देंगे सभी नेल्स पर एक साथ, और हम इसे भी क्योर करवा देंगे। अब जो है बारी है जेल वाइप करने की। सो एसीटोन फ्री की हेल्प से हम इस तरीके से जेल वाइप करेंगे सभी नेल्स की, जेल की चिपचिपाहट ख़त्म करने के लिए, ताकि इसके बाद जो हमें बफिंग करनी है वो हम बफिंग इजीली कर सकें। और अब जो है एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से जितने भी हमारे जेल के डंट्स एंड बम्स बने हैं उन सभी नेल्स के डंट्स एंड बम्स को हम एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से बफिंग करके निकाल देंगे और पूरे नेल को जो है स्मूथ फिनिश लुक दे देंगे।
पफिंग करने के बाद जो एक बार और क्यूटिकल एरिया को पुश कर देंगे हम, ताकि हमें और भी ज़्यादा नीट तरीके से फुल नेल मिल सके। और इसके बाद जो है सभी नेल्स को ब्लॉब ऑफ करेंगे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से। बट उससे पहले जो है इस तरीके से फाइनल गाइस ज़रूर देखने कि शेप एकदम परफेक्ट है या नहीं। सो शेप को एक बार ज़रूर नीट कर लें और क्यूटिकल एरिया को ज़रूर नीट कर लें, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करे और एटलीस्ट एक महीने से पहले आपके नेल्स जो हैं बिल्कुल भी ना टूटे। और अब जो है सारे नेल्स को एक साथ हम ब्लॉब अप करेंगे फुल्ली नेल्स को, ताकि हम इसके ऊपर जो भी हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट है और एमरी बोर्ड के जितने भी स्क्रैचेस हैं वो हट जाए और स्मूथ फिनिश आ सके हमारे वर्क की। ब्लॉब ऑफ करने के बाद डस्ट क्लीन करने के बाद अब बारी है हमारी प्रोडक्ट एप्लीकेशन की, जेल पॉलिश एप्लीकेशन की। जैसे कि हमें बाकी तीन नेल्स जो हमारे बचे हैं उसके ऊपर हमें जो है कलर एप्लीकेशन करना है, ओम्ब्रे बनाना है। सो बेस में मैंने जो है ये बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर लिया है, जो कि ट्रांसलूसेंट कलर है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आता है पिंक का। कलर के कोट को क्योर कराने के बाद जो है अब बारी है ओम्ब्रे क्रिएट करने की। तो ये ओम्ब्रे का मैंने हाफ ऑफ एरिया पे कलर एप्लीकेशन कर दी थी, जो जो कलर चाहिए उसके ऊपर इस तरीके से एप्लीकेशन करके स्पॉन्ज से हम इसे ब्लेंड कर देंगे और इसे भी हम क्योर करवा देंगे। और इसे क्योर कराने के बाद जो है सेम वही प्रोसेस हाफ एरिया पे एप्लीकेशन करेंगे हम कलर की, और उसके बाद जो है स्पॉन्ज के साथ हम इसे जो है ब्लेंड कर देंगे, ताकि जिसकी शार्प लाइन है वो स्मूथ हो जाए। और सेकेंड कोट को भी क्योर कराने के बाद अब बारी है इसे सील करने की। सो सभी नेल्स के ऊपर जो है इस तरीके से हम सीलर की एप्लीकेशन कर लेंगे। इसलिए के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है नॉन वाइप यूवी टॉप कोट, जिससे कि हमें जेल वाइप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। क्योर होने के बाद डायरेक्टली आप इसे टच करके देख सकते हैं, बिल्कुल भी चिपचिपाहट उसमें नहीं रहती है। सो इस तरीके से कैपिंग ज़रूर करें। सभी नेल्स को एक साथ जो है यूवी टॉप कोट अप्लाई करने के बाद हम इसे भी क्योर करा देंगे। और इसे क्योर कराने के बाद बारी है फाइनल लुक देखने की। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरी इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।